सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम फिर से एक और नया गेम खेलने वाले हैं जो कि हमारे फेवरेट कार्टून शिनचैन के ऊपर बनाया गया है। तो गाइस, इस गेम को क्रिएट किया हमारे वैभव भाई ने, जिनका एक यूट्यूब चैनल भी है गेम्स ऑफ वैभव, जो कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया गेम्स क्रिएट करते हैं मोबाइल एंड पीसी के लिए। तो उनका चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाके इसको चेकआउट कर सकते हो और वहीं पे आपको इनके चैनल पे ही डाउनलोड लिंक्स देखने को मिल जाएंगे इस गेम के भी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे हमारे शिनचैन गेम के होम स्क्रीन के ऊपर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, प्ले, सेटिंग्स, अबाउट, हाउ टू प्ले और एग्जिट। तो हाउ टू प्ले पे जाके आपको सारे के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से ही पढ़ लिया है और मेरे को पता चल चुका है इस गेम को कैसे खेलना है, क्योंकि मैं घंटों तक इसके ऊपर लगा हुआ था और मेरे को पता नहीं चल रहा था कि हमें अपना वेपन कैसे लेना है। बट मेरे को वो फाइनली उसकी लोकेशन मिल चुकी है, तो जल्दी से इसको प्ले करके दिखाता हूँ मैं और आपको भी बता देता हूँ कि आपको वेपन कैसे लेना है। तो मैं प्ले के बटन पे आज से क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा शिनचैन पीछे से बोल रहा है आओ खेलते हैं। हमारा मिशन आ चुका है, मिशन सेव नैना को, जो हमें पूरा इस सीरीज के अंदर गेम के अंदर करना है और मेरे को नहीं लगता हम पूरे एक ही एपिसोड के अंदर इसको पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। आपको पता ही होगा कि इसमें टाइम लगने वाला है, इसमें बहुत सारे जो एनिमीज है उनको हमें मारना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपने घर के पीछे आ चुका और यहाँ पे मेरे को मिल चुकी है बैम्बू स्टिक और इसको शायद से मेरे को कंट्रोल दबा के नहीं टैब कैसे मिलनी थी। ओके, मैं देख लेता हूँ यहाँ से कंट्रोल्स। तो गाइज ओके, मेरे को दिख नहीं रहा है कुछ भी और एक तो ये स्क्रोल बहुत धीरे हो रहा है, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ओके, मेरे को लगता है शायद से हमें यहाँ जाके ही मिल जाना चाहिए। मैं फालतू में कंट्रोल देखने को लगा हुआ और मेरे को डायरेक्टली मिल चुका। और गाइज, ये बैम्बू स्टिक नहीं है, रूलर, मैं भूल गया था। अगर आपको इसका रेफरेंस जानना है तो गाइज, इसका रेफरेंस जहाँ तक कि मेरे को लगता है ये एक जो सिल्वर स्वॉर्ड और गोल्डन शील्ड वाली मूवी थी शिनचैन की, उसके अंदर से इसका रेफरेंस आता है, जहाँ पे शिनचैन एक एक्शन कैमन की स्वॉर्ड खरीदने जाता है और उसको बदले में ये स्केल मिल जाता है, जिसको वो आगे चल के अपने स्केल की स्वॉर्ड की तरह यूज़ करता है जब तक उसको रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता। बाकी अभी बातें हो गई बहुत ज़्यादा, अभी हम चलते सीधा इस बुरे जायमॉन एजेंट के पास जो कि हमें सारा कुछ करने में हेल्प करने वाला है। तो आप देख सकते हो ये हमें एक मिस्ट्री आइटम देगा, रैंडम आइटम देगा और ये हमें नेक्स्ट मिशन पर भी ले जाएगा या फिर ये हमारे साथ भी चलेगा। तो अभी अच्छा, यहाँ पर ये ऑप्शन है, शुक्र है, स्लाइडर का ऑप्शन है, स्क्रोल बहुत धीरे धीरे हो रहा है और ये ग्रैंड ऑफर से मेरे को पता है क्या होता है, ये हमारे सारे पैसे लेके भाग जाने वाला है और हमें गेम हार जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारे पास जीरो पैसे होंगे, मतलब हारेंगे नहीं, हमें सारी मेहनत करनी पड़ेगी ये 1000 कॉइन दोबारा से लेने के लिए। बाकी हमें एनर्जी, हेल्थ सब कुछ देने वाला है। तो अभी मैं सबसे पहले इसको बोल देता हूँ कि ये मेरे साथ रहे और सबसे पहले गाइस हमें काम ये करना है कि मेरे को जाके एक ट्राई साइकिल ढूंढनी, क्योंकि उससे चलना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ये एक बंदा आ चुका है जिससे मेरे को लड़ना नहीं, क्योंकि गाइस ये गैंग मेंबर नहीं है, हमारे मिशन का पार्टनर, तो इनसे लड़के मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं। और मेरे को यहाँ पे कोई भी ट्राई साइकिल दिख नहीं रही है। ओके, यहाँ पे जूस क्या है ना, ये मैं बाद में आके ले लूँगा जब मेरे को जरूरत होगी। ओके गाइस, तो मेरे को अपनी ट्राई साइकिल तो नहीं मिली, पर सामने आप देख सकते हो बुरी जायमॉन की गैंग है जिसको मार के मेरा पहला मिशन पूरा होगा। तो मैं सबसे पहले इन्हीं को मार देता हूँ। और गाइज, मेरे को एक बहुत ही बढ़िया मूव के बारे में पता चला जब मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा था गेम की, मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, मैं बस देख रहा था कि इसके कंट्रोल्स वगैरह कैसे हैं। तो उस टाइम मेरे को पता चला कि अगर मैं जंप करके इनको मारता हूँ तो इनको एक्स्ट्रा डैमेज मिलता है, बट मैं मार नहीं पा रहा हूँ। ओके, इनको जल्दी से खत्म करता हूँ, मेरी हेल्थ बहुत कम हो चुकी है, शुक्र है। बुरी जायमॉन को मैंने अपने पीछे लगा लिया था ताकि मैं इससे जब चाहे तब हेल्थ ले सकूँ। ऐसे अरे मैं मरने वाला हूँ, मर जाओ, कोई दोनों में से कोई नहीं मर रहा है, मेरे को भागना पड़ेगा। मेरी हेल्थ बहुत कम हो चुकी है, पता नहीं मर क्यों नहीं रहे। एक तो मेरे को रूलर दे रखा है, इनके पास स्वॉर्ड है। अच्छा, इसको भूख लगी है, मतलब इसकी हेल्थ कम है मेरे को। ओके, एक मर चुका है दोनों में से, अब अगर मैं रुका तो ये मेरे को मार देगा, तो मेरे को दूर जाना होगा। बुरी जायमॉन अपने आप मेरे पीछे आ जाएगा और ये लोग रुक जाएंगे। ओके, शायद वो, हाँ वो रुक चुका है, आप देख सकते हो। तो मेरे को पहले सबसे पहले यहाँ से अपनी हेल्थ ले लेनी है। 50 कॉइंस में हमें अभी दे रहा है, दो चोका चिप्स मिल चुके हैं गाइस, हमें चोका चिप्स से हमारी हेल्थ बढ़ रही है और हेल्थ फुल हो चुकी है। और ये भी मैंने चीज़ देखी है कि अगर हम हाफ हेल्थ पे हैं तो भी ये हमसे पैसे उतने ही लेगा, पर हमें हेल्थ फुल करके देगा। हे
पहले तो काले वाला जो है ये इनका बॉस है, इसकी हेल्थ मैंने बहुत डाउन करी थी, इसको सबसे पहले मारता हूँ मैं। ओके तीनों को। अरे 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 ये कहाँ से आ गया बीच में? ओहो भाई इसने मेरे को मरवा दिया था बस। Are you sure about that? नहीं मतलब मेरी हेल्थ बहुत है बट स्टिल। और मर जा इसको भी मैंने मार दिया है। सारे लोग खत्म हो चुके हैं और मैं अपनी हेल्थ फिर से बढ़ा लेता हूँ और अभी हम चलते हैं अपनी साइकिल फिर से। अच्छा मैं लेना भूल गया तो नहीं, अब की बार इसने मेरे को एक ही चौको चिप दिया भाई। ये तो बहुत लूट रहा है, पैसे डबल ले लिए। पिछली बार 50 में फुल हेल्थ करके दी थी। अच्छा सामने भी फ्री की हेल्थ मिल रही है, मैं इससे इसे पैसे क्यों दूँ? मैं दीवार के ऊपर भी चल सकता हूँ, मेरे को नहीं पता था मैं। अरे सामने एक और गैंग आ चुके गाइस, उसको मारने से पहले मैं सबसे पहले जाके ये जूस का कैन उठा लेता हूँ। ओके ये मेरे को मार नहीं सकते इनको, मैं मतलब इन्होंने मेरे को देख लिया है पर इनको पता नहीं कि मेरे पे कैसे आना है। अभी मैं नीचे जाके ये लेके आता हूँ, इससे मेरी हेल्थ तो फुल हुई नहीं शायद। अच्छा हाँ जूस तो एनर्जी के होता है गाइस, मैंने बहुत ही बड़ा स्कैम कर दिया अपने साथ ही। अब ये इतने चार चार लोग मेरे पीछे पड़े, मेरे को एक तो इनको एक एक करके अपने पीछे लाना पड़ेगा। और बुरी बुरी जायमॉन एजेंट भी हमारा आ चुका है, इसको मैं मार नहीं सकता, मैं पता नहीं क्यों मारने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले डस्टबिन के ऊपर चढ़ जाता हूँ, यहाँ पे ये नहीं चढ़ पाएंगे शायद। अच्छा ये आएंगे ही नहीं आते। अब मेरे को गाइस जब इनकी पीठ उस तरफ होगी तो ये मेरे को देख नहीं पाएंगे और ये मेरे को मारने भी नहीं आएंगे। अब अगर मैं सिंपली एक को पकड़ के, अच्छा नहीं मेरा प्लान फ्लॉप हो चुका है, मेरे को मार के जाना है इनको। तो गाइस यहाँ पे हमने इस वाली गैंग का भी सफाया कर दिया और अभी मैं जा रहा हूँ सीधा अपने नेक्स्ट गैंग को देखने के लिए। सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे कि हमें जल्दी जल्दी ट्राई साइकिल मिल जाए क्योंकि उससे फिर हम बाकी गैंग्स पर ऑब्वियसली जल्दी पहुंचेंगे। और गाइस यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ मेरे को 14 गैंग्स को मारना है, तो शायद मैं अपनी कमेंट्री थोड़ी देर बाद बंद कर दूँ जब मैं आपको सारे के सारे इसके फीचर्स दिखा दूँ। उसके बाद मैं आपको सीधा गेम प्ले दिखाऊंगा जिसमें मैं इन लोगों को मार रहा हूँ। गाइज मैं यहाँ पे ऊपर घूम ही रहा था और तभी देखो मेरे को क्या मिला गाइज, ये है एक बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड और अब इसकी मदद से मैं और भी आसानी से इनको मार पाऊंगा, मेरे को पता ही नहीं था कि इसमें और भी वेपन्स है। ओके और मैं यहाँ से स्क्रॉल करके इनको चेंज और गाइज इस स्वॉर्ड से तो मैं इनका सफाया कर देने वाला हूँ। अभी बस यार ट्राई साइकिल की मेरे को अभी भी ट्राई साइकिल चाहिए, मतलब इतनी बढ़िया चीज़ मिल गई पर गाइज वो तो अलग ही चीज़ है। तो मैं काम करता हूँ एमोन के, मैंने ये ऑफर्स ओपन कर लिए, यहाँ से मैं मिस्ट्री आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि 100 रुपीज ले रहा है, कॉइन्स ले रहा है फालतू के, सिर्फ ये कोई रैंडम आइटम तक मेरे को लेके जाएगा। और ज़रूरी भी नहीं कि वो आइटम अच्छा हो, मतलब ये बहुत ही बकवास आइटम तक भी ले जा सकता है मेरे को और मेरे पैसे खा सकता है। एंड यहाँ पे कॉइन, सीरियसली कितने कॉइन्स मिले मेरे को अप्रॉक्स? शायद से मतलब मैंने देखा नहीं, अभी मैं कैलकुलेट करके स्क्रीन के ऊपर लिख दूंगा और मेरे को अभी पता चलेगा कि मेरे को इसने लॉस में भेजा है या फिर प्रॉफिट में। सामने शायद एक और गैंग मेंबर है, इसको भी मैं ठिकाने लगा के आता हूँ क्या ये चौड़ाओ के चल रहा है। हाँ भाई इधर 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 सामने देख, सामने डांस अलग कर रहा है। अरे स्वॉर्ड का डैमेज शायद से ज्यादा होना चाहिए और गाइस सही में बहुत ज्यादा डैमेज है स्वॉर्ड से, तो मैं 2-3 हिट में मार रहा हूँ और इसकी पूरी गैंग कंप्लीट करनी पड़ेगी मेरे को, मतलब खत्म करनी पड़ेगी जो कि अंदर है और इस घर के अंदर कहाँ से जाना है। ओके सामने गेट दिख चुका है मेरे को, जल्दी से जाके इनका सफाया करके आता हूँ। ओके हाँ भाई, अरे लग जा भाई, इनको लग ही नहीं रहा, अरे तो मेरे को मार ही नहीं रहा, मतलब मार ही नहीं पा रहे, पता नहीं क्या है। मेरे को लगता है मेरे को बेस्ट ओपी आइटम मिल चुका है इस गेम का, ये देखो मरे जा रहे हैं, सिर्फ यही है जिसने मेरे को एक बार हिट किया है, बाकी तो हिट भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके ऑफर देखते हैं और एक और मैं एक काम करता हूँ, पहले तो अपना हेल्थ बढ़ा लेता हूँ तो मैं मर जाऊंगा। और अब मैं जाता हूँ, एक काम करता हूँ, अरे रुक जा भाई ऑफर दिखा अपने। ओके और मैं एक बार फिर से इसके पास मिस्ट्री आइटम से क्लिक कर देता हूँ, क्या पता कोई बढ़िया आइटम तक ले जाए अब की बारी। एंड बाय द वे रास्ते में मेरे को कोई गैंग मिलेगी तो मैं उसको ऑब्वियसली मार ही दूंगा। और अभी देखते हैं हमारा, ओके 3 गैंग्स हो चुकी, ये गैंग भी काउंट हुई है।
और ये कोई गैंग नहीं है तो ऐसे ही खड़े हैं। गैंग वाले वही होंगे जिनके हाथ में येलो स्वॉर्ड होगी, उन्हीं को हमें खत्म करना है इस पूरी सिटी में से। शायद से बुरी बुरी जामोन इस घर के अंदर जा रहा है, और नहीं यार सामने मेरे को दिख चुका है चौकोबी, ये मेरे को पक्का चौकोबी तक ही लेके जा रहा था। बट अगर मैं इसको उठा लूँ क्या ये मेरे को दूसरे आइटम तक लेके जाएगा? नहीं ये रुक चुका है गाइस, मेरे को लगता है मेरे को अपने ट्राईसाइकिल का सपना छोड़ देना चाहिए या फिर मेरे को खुद ढूंढना चाहिए। और बाकी वो क्या है गाइस वो देखो, अभी चेरी ब्लॉसम से मैं वहाँ तक जाता हूँ और बाकी एक काम करते हैं इसको एक काम पे लगाते हैं, इसको नेक्स्ट मिशन ढूंढने भेजते हैं, ये हमें नेक्स्ट गैंग मेंबर्स तक ले जाएगा। एंड बाकी हम बाद में चल के चेरी ब्लॉसम वाला चेक पॉइंट भी चेक करके आएंगे, मतलब वो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगहें बनाई हुई हैं जो कि हमारे मतलब क्या कहते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शंस टाइप हैं जिनको हम जाके चेकआउट करेंगे। एंड गाइस वो देखो सामने हमारे पास जितने भी गैंग मेंबर्स हैं वो स्पॉन हो चुके हैं और इनको अभी मैं जल्दी से जाके मार के आता हूँ। और ये देखो अपना अजीब सा डांस अलग शुरू कर देते हैं, बहुत पानी लगते हैं वैसे। अरे मर जा भाई, पीछे मुड़ के देख तो ले कौन मार रहा है तेरे को। ऐसे शॉट से हमारा जो काम है वो डबल इजी हो चुका, मतलब दो दो मिनट में मर रहे हैं ये, दो दो सेकंड में, सॉरी दो दो मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। पहले हमें बहुत टाइम लग रहा था वो वुडन स्केल से इनको मारने में, और अब ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे हाथ में असली की बहुत ही बढ़िया शॉट आ चुकी हो। ऑब्वियसली स्वॉर्ड ही है, मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। गाइस फाइनली जो बुरी बुरी ज़ोमोन है वो फिर से एक और जगह पे रुक चुका है, अभी देखना ये कि क्या ये मेरे को कोई बढ़िया आइटम देने वाला है या फिर नहीं, जो हम इसको चेकआउट करेंगे। ओके फिर से इसने घटिया सी ड्रिंक दे दी है जिसकी मेरे को कोई ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि एनर्जी लो तभी होती है जब हम कोई ओके यहाँ पे क्या है और कुछ आसपास तो नहीं है ना, ओके कुछ भी नहीं है गाइस। मैं ये कह रहा था कि हमारी एनर्जी लो तब आती है जब हम कोई मतलब काम करते हैं, मतलब अब तक मैंने जो इस गेम में देखा है वो तभी हमारी एनर्जी लो होती है जब हम ट्राईसाइकिल को हाई स्पीड पे भगाते हैं, तो ट्राईसाइकिल ही नहीं मिली तो मेरे को काम क्या भाई जूस का। एंड बाय द वे मेरे को ये चेरी ब्लॉसम वाली लोकेशन मिल चुकी है, तो चलो थोड़ा सा इसको भी जाके चेकआउट किया जाए, और क्या पता हमें यहाँ पे बुरी बुरी डायमंड्स मिल जाए जिसको मैं मार सकूं। एंड गाइस ये जो पार्क है वो बोलना पड़ेगा बहुत ही सुंदर लग रहा है दिखने में, मतलब चेरी ब्लॉसम्स कितने अच्छे लग रहे हैं गिरते हुए नीचे। एंड गाइज ये देखो यहाँ तो इन्होंने पूरा अपना बेस कैंप ही बना रखा है, और अभी मैं इस बेस कैंप को पूरा क्लियर कर देने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे क्या कहते हैं इनको बुरी बुरी डायमंड है, और इनको मैं मारने वाला हूँ गाइज, मैं खुद ही मर रहा हूँ, इनको मारना पड़ेगा। ओके 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 इंटेंस फाइट। अरे भागो 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 बुरी बुरी डायमंड का, भागो 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 भागो, छोड़ दे भाई मैं तेरी टेरिटरी से बाहर आ चुका हूँ। अभी भी है क्या पीछे? वो चला गया यार फाइनली। अभी मेरे को बस अपनी हेल्थ बढ़ानी है और मैं फिर से जा रहा हूँ। ओके इसने अब की बार दो दो चौका चुप्स के डब्बे दे दिए, और अब मैं इनको नहीं छोड़ने वाला। हाँ भाई वापस आ, क्या दिखा रहा था भाई, वापस वापस पीछे देख, देखो एटीट्यूड देख रहे हो इसके अंदर। ओ बाय द वे हमारे जो दो बंदे मैं मार रहा था उनमें से दो मर चुके हैं, और ये लो इसको भी मैंने मार दिया। मतलब ये भी वन शॉट बचा था, मेरे को डर के भागने की जरूरत नहीं थी, बट अगर ये बाय चांस मेरे को मार देता तो मैं बुरी तरह मर जाता। एक और को हमने ठिकाने लगा दिया। और भाई कहाँ गई तुम्हारी सेना? मेरे को तो एक भी बंदा नहीं दिख रहा। ओके दो दिख रहे हैं सामने ही है, इनको जल्दी से ख़त्म करके आते हैं। ओके तीसरा भी दिख चुका है। अभी मेरे को और कोई बुरी बुरी, अच्छा मैं बोल ही रहा था कि और कोई नहीं दिख रहा, और ये देखो सामने ही अपना डांस करने में लगा हुआ है। ओ और ये ज्यादा ही बड़े साइज का, आप देखोगे तो नॉर्मल से शिनचैन से भी बड़े साइज का भाई। ऊंची दुकान फीका पकवान, दो सेकंड में ढेर हो गया, इतना मोटा तगड़ा लग रहा था, शिनचैन से भी बड़े साइज का था, मेरे को लगा टाइम लेगा मरने में, तो दो सेकंड में मर गया।
गाइस बाकी मैं आपको बताना चाहता था, मतलब जब तक मैं इससे लड़ रहा हूँ तब तक सुन लो, ये जो हमारी स्वॉर्ड है इसका नाम आप देख सकते हो आपको लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे दिख रहा होगा, एक्शन स्वॉर्ड। तो गाइस मैं यही बता रहा था जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, मतलब जिस मूवी का रेफरेंस दिया था उस स्केल के लिए, उस मूवी में एक्चुअली जो शिनचैन है वो एक्शन स्वॉर्ड ही खरीदने गया होता है अपने सुपर स्टोर के ऊपर, और वहाँ उसको एक्शन स्वॉर्ड के बदले उनको नकली स्वॉर्ड, मतलब नकली स्वॉर्ड क्या भाई, वैसे भी प्लास्टिक की होगी मेरे हिसाब से, बट ये गेम में असली बना रखी है, और उस टाइम पे उसको स्वॉर्ड टॉय स्वॉर्ड के बदले रूलर पकड़ा दिया था। एंड गाइस एक्चुअली वो उस स्वॉर्ड से भी बहुत ही बेटर चीज थी, बट स्टिल उसको जो चाहिए था वो नहीं मिला। और बाकी ये गाइस ये और भी ज्यादा हाई लेवल का, क्या कहते हैं इसको फिर से, भाई मैं भूल ही जाता हूँ यार, बुरी जायमोन है ये, हाई लेवल का बुरी जायमोन है, क्योंकि ऐसा मैंने सुना था उनकी वीडियो में कि जितना ज़्यादा डार्क कलर होगा, मतलब काला होगा, वो उतना ज़्यादा ये स्ट्रांग होने वाला है ओपोनेंट। तो इसको मैंने हरा दिया है, एंड मेरे हिसाब से गाइस मैंने ये पूरा का पूरा चेरी ब्लॉसम पार्क कंप्लीट कर दिया है, और मेरे को और कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो अभी फिर से चलते हैं अपने एजेंट के पास और इससे कोई मिस्ट्री आइटम मांगते हैं, भाई कभी तो कुछ अच्छा दे दे यार, बस एक ही चीज़ तो मांगी है तेरे से, ट्राई साइकिल, उसके पीछे इतने पैसे खिला चुका हूँ तेरे को मैं। ओके बुरी जायमोन को मैं इतनी देर से ढूंढ, असल में इस वाले घर के अंदर गया हुआ है, तो मैं यहाँ से कूद के चले जाता हूँ डायरेक्ट, एंड शायद मैं नहीं कूद सकता, मेरे को घूम के जाना पड़ेगा। कूद जा भाई, ओके शिनचैन हमारा कूद चुका है, एंड भाई बुरी जायमोन अब की बार मेरे को कुछ ढंग की चीज़ दे दियो। और वो चीज़ गाइस इस घर के अंदर है भी नहीं है, पागल से इस साइड खड़ा, और वो कॉइन्स हैं सीरियसली। चलो इसको सीधा नेक्स्ट ऑफर के लिए बोल देते हैं, और जितने मैं इस कॉइन को कलेक्ट करने जाऊंगा इतने में मेरे लिए वो ले आएगा, मतलब नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच जाएगा, क्योंकि ये बहुत धीरे चलता है, मतलब शिनचैन भी धीरे चल रहा है, बट स्टिल ये और भी बहुत ज़्यादा धीरे है, और मेरे को एक्स्ट्रा टाइम वेट करना पड़ता है इसके लिए। ओके गाइस मैंने एक बार फिर से ढूंढ लिया इस बुरी जायमोन को, और मेरे को नहीं लगता है फिर से कुछ अच्छा देने वाला है, चलो फिर भी चलते हैं। ओके गाइस सीरियसली भाई ये बहुत ही बढ़िया बुरी जायमोन, चलो इसी के बदले में इसके लिए चलो इससे कुछ खरीद लेते हैं, चलो इसके हेल्थ ही खरीद लेते हैं, मतलब मेरे भी काम आएगी। ये देखो इसको जब मेरे को ज़रूरत होती है ना तब ये एक एक डब्बा देगा, और अब सीधा दो डब्बे दे रहा, मैं क्या करूँ, ये तो मेरे लिए वेस्टेज है। ओके चलो कोई नहीं, मैंने खा लिया, एंड गाइस मेरे को मिल चुकी है ट्राई साइकिल। एंड गाइज मेरे को लगता है अभी के लिए हमारी जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मतलब आपको पता नहीं कितनी देर हुई है ये देखते हुए, मतलब मैंने कितनी छोटी कर दी एडिटिंग के टाइम पे, बट एक्चुअली मैं देखूँ तो मेरे को ऑलमोस्ट आधा घंटा होने वाला है इसको खेलते हुए, और अभी तक मेरे को सिर्फ ट्राई साइकिल मिली है। तो मैं आपको फिर भी बेसिकली ये ट्राई साइकिल चला के दिखा देता हूँ, तो अगर मैं स्पेस दबाऊंगा तो स्पेस की मदद से इसको चलाता हूँ, और गाइज इसको मैं बहुत तेज़ चला सकता हूँ, और आप देख सकते हो इसमें हमारी एनर्जी जा रही है। एंड गाइज इसके अलावा मेरे हिसाब से जो इसके कंट्रोल्स थे वो थे कि मैं अगर कंट्रोल दबाऊंगा तो भी कुछ होता था, ओके अभी तो नहीं हो रहा है, और बाकी इसको सिर्फ मैं माउस से मोड़ सकता हूँ, ये WASD से मतलब कार की तरह नहीं चलेगा। एंड अगर मेरे को उतरना है तो मेरे को जी दबाना है, और अगर फिर से बैठना है तो ई दबाना है, एंड दैट्स इट आई गेस। ओके और कुछ कर नहीं रही है, मतलब मेरे को जहाँ तक याद है एक और कुछ करती थी, जब तक मेरे को पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो तक। बाकी गाइस मेरे को लगता है कि आज की वीडियो को हमें यहीं खत्म करना ठीक रहेगा, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, और तब तक मेरे को लगता है कि अभी चलो चेक कर लेते हैं, मैंने चार जायमोन ग्रुप्स को हरा दिया, और मैं तब तक जितने हो सके औरों को भी मारने की कोशिश करूंगा, ताकि हम नेक्स्ट गेम में सीधा स्नोमैन को डिफीट कर सके, स्नोमैन एक और मूवी का विलेन है। सो गाइज यही थी हमारी आज की वीडियो, होप करता हूँ कि आपको वीडियो देखने में मजा होगा, और अगर आपको वीडियो देखने में मजा हो तो गाइस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, और गाइस साथ ही साथ इस वीडियो का अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए, वैसे तो मेरे को लगता है आपको चाहिए होगा, बट अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो। बाकी गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।